आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 76। आज डेट है 1 अक्टूबर 2020। हम पढ़ने जाएंगे आज टाइप्स ऑफ फ्यूल के बारे में। तो रोहन हैड कम टू द सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। रोहन एक बच्चा है, वो शहर पहली बार आया है। ही सॉ लॉट्स ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड। वो बहुत सारे व्हीकल्स देखता है रोड पे चलते हुए। व्हीकल्स मतलब गाड़ी, बाइक, स्कूटर, ये सब। ही वेंट टू विजिट द सिटी बाय कार। वो अपने अंकल के साथ जाता है कार में शहर घूमने के लिए। हिज अंकल स्टॉप द कार इन बिटवीन टू गेट सम फ्यूल इन इट। उसके जो अंकल होते हैं रोहन के, वो गाड़ी रोक देते हैं पेट्रोल पंप पे और फ्यूल भरवाने के लिए। रोहन आस्ट हिज अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस पेट्रोल। रोहन अपने अंकल से पूछता कि अंकल वेयर हमें पेट्रोल कहाँ से मिलता है। हिज अंकल टोल्ड हिम डैट पेट्रोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ब्लैक कलर्ड थिक ऑयली लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। उसके अंकल बताते हैं कि हमें पेट्रोल जो है वो एक ब्लैक कलर के थिक मतलब मोटा मोटे ऑयली लिक्विड से मिलता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं, जैसा कि ये फोटो में यहाँ पे दिखा रखा है। इट इज़ अ नेचुरल फ्यूल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। ये एक नेचुरल फ्यूल होता है। नेचुरल फ्यूल मतलब जो हमें नेचर से मिलता है, नेचुरल फ्यूल होता है जिसे क्रूड ऑयल बोलते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्री हिस्टोरिक मैरीन क्रिएचर्स ऑर्गेनिजम्स अंडर स्पेशल कंडीशंस। ये पानी के अंदर रहने वाले जो क्रिएचर्स होते हैं पानी के अंदर, जैसे मान लो मछली रहती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पानी के अंदर रहती हैं, तो जो पानी के अंदर जीव रहते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनकी जब बॉडी ख़त्म हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है पानी के अंदर ही कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर, तब ये पेट्रोलियम बनता है। वी कैन ऑब्टेन वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेट्रोल लाइक पेट्रोल ओ सॉरी वी कैन ऑब्टेन वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेट्रोलियम लाइक पेट्रोल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब CNG डीजल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब LPG विच इज़ यूज टू कुक फूड इन अवर हाउस होल्ड्स। हम पेट्रोलियम से पेट्रोल, CNG, डीजल ये तीनों चीज़ ले सकते हैं जो कि हमारी गाड़ियाँ चलाने में काम आती हैं, गाड़ियों में डाला जाता है, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब LPG जिससे जिस गैस से हम खाना बनाते हैं, जो हमारे घरों में सिलेंडर आता है खाने के लिए, खाना बनाने के लिए। CNG इज़ यूज एज अ फ्यूल इन व्हीकल। अभी मैंने बताया कि CNG को हम व्हीकल में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा आजकल CNG वाली गाड़ियाँ आ रही हैं तो CNG उसमें भरी जाती है गाड़ी चलाने के लिए। ये हमारे पास फोटो दी है, ये ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं मतलब जो ऑयल होता है उसके अंदर हम कितने प्रकार के ऑयल, ऑयल के बाद हम कितने प्रकार के फ्यूल बना सकते हैं, हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसका। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म पेट्रोलियम। वी शुड यूज़ पेट्रोल वाइजली। पेट्रोलियम जो है बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं मतलब बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लगते हैं, मिलियंस ईयर्स लगते हैं। इन ऑर्डर टू सेव पेट्रोल वी कैन स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट्स। पेट्रोल को बचाने के लिए हमें रेड लाइट पे इंजन बंद कर देना चाहिए अपने व्हीकल का। वी कैन वॉक और यूज़ बाइसिकल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेज एक्सेट्रा। हमें अगर ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो हम पैदल भी जा सकते हैं और साइकिल से भी जा सकते हैं पेट्रोल बचाने के लिए, पेट्रोल बचाने के लिए। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट फुल फॉर्म ऑफ यूज, सॉरी ये ऑफ नहीं है यहाँ पर, ये ऑफ गलती से लिखा गया है। राइट फुल फॉर्म एंड यूजेज ऑफ CNG एंड LPG। तो हमें CNG और LPG के फुल फॉर्म और यूजेज लिखने हैं। CNG की फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस विच इज़ यूज एज अ फ्यूल इन व्हीकल। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है, CNG जो होती है, वो उसे हम अपनी जो व्हीकल्स होती हैं उसके अंदर फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हाउ, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कैन वी सेव पेट्रोल, सजेस्ट सम ऑप्शंस एक्टिविटी। टू सेव पेट्रोल वी शुड टर्न ऑफ द व्हीकल्स इंजन एट रेड लाइट। हमें रेड लाइट पे व्हीकल का इंजन बंद कर देना चाहिए। वी शुड वॉक और यूज साइकिल फॉर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस। हमें वॉक मतलब चल के जाना चाहिए कहीं भी, या फिर हमें शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए मतलब छोटे रास्तों के लिए साइकिल का यूज़ करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ स्लोगन टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट टू सेव पेट्रोल। तो एक स्लोगन लिखना है, आप किसी भी कुछ भी स्लोगन लिख सकते हैं। मैंने एक स्लोगन लिखा है सेव फ्यूल सेव अर्थ। पेट्रोल जो है वो फ्यूल का ही पार्ट है, उसे हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, सेव फ्यूल सेव अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैपन इफ द पेट्रोल इज फिनिश कम्प्लीटली फ्रॉम द अर्थ, राइट योर व्यूज़। अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा अर्थ पे तो क्या होगा। पेट्रोल इज़ यूज एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स इन अदर इक्विपमेंट्स। पेट्रोल जो है वो व्हीकल्स में एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स में भी। इफ द पेट्रोल इज़ फिनिश्ड कम्प्लीटली देन द व्हीकल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स रनिंग ऑन पेट्रोल विल बी ऑफ नो यूज़। अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो जो हमारे व्हीकल्स हैं हम उसके अंदर क्या डालेंगे, या कोई इक्विपमेंट है उसके अंदर क्या डालेंगे, तो वो किसी भी काम के नहीं रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में वायरल करें, और जो चैनल है हमारा महाअध्ययन इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकें, आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।